हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वी अमेज। आज आप हमारे वीडियो में वर्ल्ड की कुछ खतरनाक मछलियों के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। द बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश समुद्र की सबसे खतरनाक मछलियों में से एक है और इसे सबसे जहरीला समुद्री जानवर माना जाता है। इसके जहर को दुनिया में सबसे घातक माना जाता है, जिसमें विषाक्त पदार्थ होता है जो हृदय, तंत्रिका तंत्र और त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करते हैं। जेलीफिश का जहर कुछ ही मिनटों में मौत का कारण बन सकता है। जब यह हमला करता है तो पीड़िता को बेहद कम हृदय गति, बेहद दर्दनाक डंक और मौत का अनुभव होता है। पिराना। पिराना दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मछलियां हैं। हॉलीवुड में पिरान्या नाम से कई फिल्में भी बनी हैं। ये इतनी हिंसक होती है कि किसी व्यक्ति को काट ले तो उसकी मौत भी हो सकती है। पिरान्या मछली की इंसानों पर अटैक करने की सबसे अधिक घटना साउथ अमेरिका के अमेज़न नदी में सामने आई है। पिराना के दांत रेजर जैसे तेज होते हैं। वाइपर फिश। वाइपर फिश आमतौर पर 200 मीटर की गहराई तक रहती है और अपने बायोल्यूमिनेसेंट अंगों का उपयोग शिकार करने के लिए करती है जब सूरज की रोशनी समुद्र के तल में प्रवेश नहीं करती है। यह एक खतरनाक मछली है और इसका स्वरूप भयंकर है क्योंकि इसका निचला जबड़ा नुकीले दांतों से युक्त होता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह वर्तमान में महासागरों के एक चौथाई हिस्से पर कब्जा कर लेता है। एंग्लर फिश। एंग्लर फिश दुनिया के सबसे बदसूरत जीवों में शामिल है। ये मछली अटलांटिक और अंटार्कटिका महासागर के गहरे पानी में रहती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसके सर पर बना लैंप है, जिससे छोटे मोटे जीव इसकी तरफ आकर्षित होकर आते हैं, जिसे ये अपना निवाला बना लेती है। एंग्लर फिश की 200 से अधिक प्रजातियाँ हैं। स्टोन फिश। स्टोन फिश आमतौर पर इंडो पैसिफिक के उष्णकटिबंधीय जल में पाए जाते हैं, जहां वे उथले पानी में रहते हैं। स्टोन फिश एक सुस्त नीचे की ओर रहने वाली मछली है जो देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये अपने आसपास के वातावरण में पूरी तरह से मिश्रित होती है। जब इस पर कदम रखा जाता है तो यह अपने शिकार में उच्च मात्रा में जहर इंजेक्ट करता है। एक स्टोन फिश पर कदम रखने से उत्पन्न घाव तीव्रता से दर्दनाक होते हैं और घातक हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इल। इलेक्ट्रिकल इल एक लंबी दक्षिण अमेरिकी मछली है जो अपने शिकार को अचेत करने के लिए एक शक्तिशाली बिजली का झटका पैदा करती है। इलेक्ट्रिकल इल एक बड़े पैमाने पर 2.75 मीटर तक बढ़ सकता है और 22 केजी वजन कर सकता है। सामान्य सुस्त या धीमी गति से चलने वाले ताजे पानी को तरजीह देता है, जहाँ यह हर कुछ मिनट में हवा में सक्षम होता है। विद्युत इल में उत्सर्जित होने वाला चार्ज लगभग 330 से 650 वोल्ट है, जो मानव को झटका देने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। इससे आपको अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।